शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मनपा आयुक्त तुकाराम मुंडे और महापौर संदीप जोशी द्वारा 2 दिन का जनता कर्फ्यू घोषित किया गया है, जिसे शहर में काफी अच्छा प्रतिसाद भी मिल रहा है। इसका ही जायजा लेने रविवार को महापौर संदीप जोशी पहुंचे हैं दिघोरी के परिसर में। शहर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मनपा प्रशासन और पदाधिकारियों ने 2 दिन का जनता कर्फ्यू का आह्वान किया था, जिसके चलते पहले दिन नागरिकों का अच्छा सहयोग था, तो वही दूसरे दिन भी नागरिकों ने अच्छा सहयोग दिया। महापौर संदीप जोशी, इन्होंने जनता कर्फ्यू को लेकर दूसरे दिन भी शहर के हर चौराहों का मुआयना किया। दक्षिण नागपुर के दिघोरी चौक भांडे प्लॉट में मुआयना करने आए महापौर संदीप जोशी, इनसे खास बातचीत की है हमारे संवाददाता संजय मीरे, इन्होंने आइए देखते हैं खास बातचीत। दर्शकों, हम आपको बता दें कि जिस तरह से मनपा के अधिकारी और पदाधिकारियों ने एक पहल की थी, जनता कर्फ्यू 2 दिन का, ये जो जनता कर्फ्यू था कल की जो बात थी, तो नागरिकों ने काफ़ी अच्छा प्रतिसाद दिया, सहयोग किया है इस जनता कर्फ्यू को, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं यही चाहते हैं कि कोरोना की यदि चेन तोड़ना है तो कर्फ्यू का पालन करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखना चाहिए। एक बात तो खास है कि नागपुर शहर के महापौर संदीप जोशी जी हर पल पल की जानकारी ले रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक की उनका दौरा रहता है। इस समय में वे हमारे साथ भांडे प्लाट चौक पर है, आइए सीधा रुक करते उन्हीं का और उनसे जाना चाहेंगे। जोशी जी, ये बताइए कि जिस तरह से ये जो कामकाज चल रहा है जनता कर्फ्यू को लेकर, आज का दूसरा दिन है, क्या कहना चाहोगे? मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे नागपुर के जनता को, कि नागपुर की जनता ने यह प्रूव करके दिखाया है कि अगर उन्होंने ठान लिया तो वो ये कर सकते हैं। अब समय है, अब चैलेंज है आने वाले दिनों का, कहीं ऐसा ना हो कि हमने 2 दिन तो अनुशासन का पालन किया, अब तीसरे दिन से अब हमारा काम चालू, अगर हम ऐसा करेंगे तो इसका कोई उपयोग होगा नहीं। इसलिए मेरा उनसे नम्र निवेदन है कि जब तक आवश्यकता ना हो हम घर के बाहर ना आए, जब तक ज़रूरत ना पड़े घर से निकले नहीं, आवश्यकता हो, अति आवश्यकता हो, मेडिकल एक्टिविटी के लिए ही अगर जाना है तो हम घर के बाहर जाए, अन्यथा हम घर पर ही रुके, क्योंकि हमारा घर पर रुकना हमारे बच्चों को, हमारे बूढ़े माँ बाप को सुरक्षित रखने का एक उपाय रहेगा। अगर हम बाहर घूमते रहे और हमारे माँ बाप को, हमारे बच्चों को अगर यह होता होगा तो एकादी ऐसी अनुचित घटना भी घट सकती है, जिसके लिए जिम्मेदार हम और हम ही रहेंगे। सर, 2 दिन का जो जनता कर्फ्यू है लोग पूरी तरह से पालन करते हुए नजर आ रहे हैं, मगर एक बात ये भी देखने के लिए आई है कि 2 दिन के बाद में जो की तो परिस्थिति फिर से हो सकती क्या, क्योंकि लॉकडाउन के बारे में क्या कहना चाहोगे? नहीं, लॉकडाउन लगाना नहीं है, ऐसी जनप्रतिनिधियों का सबका मत है। अब ये लॉकडाउन लगाना नहीं है तो लोगों को अनुशासन का पालन करना पड़ेगा, अगर अनुशासन का पालन नहीं किया तो लॉकडाउन लगाने का समय आ सकेगा, फिर उसके लिए जिम्मेदार जनता ही रहेगी। इसलिए यही अनुरोध है और आने वाले 4 दिन हम अवेयरनेस करने के साथ में लोगों तक जाने वाले, फिर से उनको अनुरोध करने वाले हैं, ऑल पार्टी लीडर्स इसमें उतर के जनता से अनुरोध करने वाले कि उन्होंने लॉकडाउन के इसमें लॉकडाउन नहीं लगाना है तो अनुशासन का पालन करना पड़ेगा। सर, आखिरी का सवाल ये है कि कोरोना की जो स्थिति जो बनी हुई है इसका क्या स्टेटस है हाल फिलहाल में? आज के तारीख में हम 4000 तक पहुंच रहे हैं नागपुर शहर और जिला मिलके, जिसमें एक्टिव जो पेशेंट्स है वो 1200 तक हम पहुंचे हैं। अगर इसी तरीके से चालू रहेगा तो हम कौन से नंबर पे जाएंगे इसका अंदाज लेना असंभव है। सर, एक आखिरी का सवाल कि शहर के नागरिक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको इस जनता कर्फ्यू के बाद में क्या होने वाला है ये बताइए। एक ही है, मार्केट में मत निकलिए, आवश्यकता पर निकलिए, चिल्लर दुकानदारों से जो लेना है वो लीजिए, रश अगर किया, गर्दी अगर हमने की तो हम अड़चन में आएंगे और फिर प्रशासन लॉकडाउन करेगा इस तरीके से भूमिका ले सकता है, इसके लिए हम अनुशासन का पालन करें, इतना ही उनसे प्रार्थना है। तो आप है महापौर संदीप जोशी, जिन्होंने बखुवेर बेबा के साथ बात करते हुए ये कहा कि लोगों ने इस अनुशासन का पालन करना होगा, यदि कोरोना की चेन तोड़ना होगा
अगर कोरोना की चेन नहीं तोड़ी गई और इसकी रोकथाम और जनजागृति नहीं की गई तो आने वाला दिन बहुत ही संकट भरा हो सकता है, क्योंकि मौतों का आंकड़ा भी शहरों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा में काफी इजाफा हो रहा है। इस ओर नागरिकों ने ध्यान दे, पूरी तरह से सहयोग करें, कोई भी बिलावजह अपने घर से ना निकले, जब काम काज हो तभी निकले और शासन प्रशासन को पूरी तरह से मदद करे, सहयोग करे, यही अपील भांडे प्लॉट चौक पे महापौर संदीप जोशी इन्होंने की है। अब देखना यह होगा कि जिस प्रकार से लोगों ने जो संयम बरत के अपने घरों में है, जो सहयोग कर रहे हैं, इसके बाद भी लोग सहयोग इसी तरह करते हैं या नहीं। भांडे प्लॉट चौक से कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मीरे, इनबीसीएन न्यूज नागपुर।